लोग बराबर हैं और उनके बिना ये पर्व संभव नहीं है। तो आप देखिए कितने मेल मिलाप से, कितने सुंदर ढंग से सामाजिकता है इस गीत में। Yeah.
Yeah.
देखकर छठ पूजा के ऊपर ये कार्यक्रम है, इस वजह से हमने उन गीतों की अधिकता रखी है और मैं उन फरमाइशों को बीच में मैं उनको भी गाती हूँ और फिर एक बार फिर छठ के भी गाऊंगी। ये माहौल बना रहे, ये खास अवसर है। ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं जो आप सुनना चाहेंगे, बीच में अभी उन फरमाइशों को Thank you.
माइक थोड़ा लूज हो गया इसको ठीक कर दो। आपने सुना हुआ है, बहुत पहले मैंने गाया था इस गीत को। ये गीत एक चित्रण है गांव में जो महिला रह रही है और पति उसका बाहर है। गांव में अकेले और गरीबी भी है जो बहुत बड़ी एक बीमारी है, समस्या है। उसमें किस तरह की दिक्कत हुई है, उन दिक्कतों का वर्णन किया है और उस पर से दुख ये कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो ये पत्र जो है अपने पति को भेज रही है तो वो लिखवाती है किसी और से, यही वर्णन है। और शब्द है उसके लिखौले रजमतिया, गांव का जो नाम है रजमतिया, कितना मिट्टी से जुड़ा है बिल्कुल, ये रजमतिया पतिया रोई रोई है। वो चिट्ठी रो रो के लिखवाती है रजमतिया, जो चरित्र है इस गाने का। Thank you.
भोजपुरी की एक जो खास विधा है, मैंने कभी झूमर गाए हैं आपके सामने, और अभी जो गीत गाया वो एक करुण रस का वो गीत था, और अभी जो पूर्वी है महेंद्र मिश्र की, बहुत सारी पूर्वी मैंने बहुत सारे गीत उनके गाए हैं, और महेंद्र मिश्र को पूर्वी का सम्राट कहा जाता था, और वो है सम्राट उनके गीत का भी अमर है, उन्हीं में से एक गीत। ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं जिनको जो आपको अच्छे लगेंगे, बहुत हमारे युवा भी बैठे हैं, यंगस्टर्स भी हैं, बहुत सब हर तरह के लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं बार बार इस बात को याद दिलाते हुए कि मैंने अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े गीतों को बराबर गाया है, और उन्हें कोशिश किया है कि मैं उनको अपने स्तर से जहाँ तक हो जो लुप्त हो रहे हैं वैसी वैसी चीज़ों को मैंने कोशिश किया है उनका संरक्षण करने का। और मेरे पास अन्य बातों के अलावा ये सबसे बड़ा एक रास्ता है कि मैं जहाँ भी आप सबों के सामने जाती हूँ इन गीतों को गाती हूँ, और यही इन्हीं गीतों को गाती आई हूँ जिससे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। ये पूर्वी बहुत ही अच्छी विधा है, मैं समझती हूँ कि भोजपुरी लोक संगीत में अगर पूर्वी नहीं है तो वो लोक संगीत नहीं है भोजपुरी, इतनी अच्छी है विधा और अपनी सुंदर रचना है महेंद्र मिश्र। Yeah.
Thank you.
शारदा जी अपना गायन प्रारंभ रखेंगी, जारी रखेंगी। हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि दुनिया भर में भोजपुरी गायन का सुरीला परचम लेकर शारदा जी अपनी यात्राएं करती रही हैं, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के विशेष निवेदन पर, अनुरोध पर छठबाद के इस चार दिवसीय लोक अनुष्ठान में अपनी सुरीली दस्तक देने के लिए हमारे बीच पधारी हैं। गायन के दौरान शारदा स्वर में स्वर मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ताल पर ताल तो दी ही जा सकती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि शारदा जी की, मैं विनय उपाध्याय जी के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कई बहुत सारे कार्यक्रम आज तक दिए हैं और स्टेज पे मंच पे जो कंपेयर करते हैं लोग, और जो एक तो कलाकार के बारे में, क्योंकि अगर कोई अच्छे तरीके से परिचय न दे और अच्छे ढंग से बहुत ही सुंदर तरीके से कंपेयर न करे कार्यक्रम का, उसका आनंद ही नहीं आता। विनय जी, मेरे बारे में बराबर आपने कहा है, लेकिन मैं आपके बारे में यह कहना चाहती हूँ कि आप जैसी आवाज़ और सूझबूझ के साथ इतने सुंदर सलीके से जो आप अनाउंस करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, वो वाकई लाजवाब है। और मैं तो आपकी मूवी भी, आपकी आवाज़, आपके स्टाइल की, और आपके लिए यह कहना चाहती हूँ कि किसी में रंग व भू तेरा न पाया, किसी में रंग व भू तेरा न पाया, चमन में गुल बहुत गुजरी नजर से। Thank you.
आठवां का जो कल ही बीता है शरद पूर्णिमा, ये भाई बहन का पावन त्यौहार होता है जो विशेषकर मिथिलांचल में इस ये प्रचलित है। और इस गीत को मैं स्वयं भी गाना चाहती हूँ। आप सुनेंगे भाई बहन का पर्व है सामा चकेवा और ये मैथिली भाषा में है। सामा खेले